आज हम सबके लिए ही बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में माननीय मदन दास जी, माननीय नितिन जी, राजकुमार भाटिया जी और बहुत सारे बहुत वरिष्ठ लोग, अनुभवी और समाज जीवन के बहुत प्रमुख क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। सबको अभिवादन। निमित्त तो पुस्तक का है और पुस्तक का जो शीर्षक है वो भी संगठन कौशल है और उस निमित्त विद्यार्थी परिषद के प्रमुख शिल्पकार यशवंतराव केलकर जी की स्मृतियों को स्मरण करने का है। स्वाभाविक रूप से आज सार्वजनिक जीवन में संघ की प्रेरणा से जो विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और तत्पश्चात आज स्वयं नितिन जी भी यहाँ उपस्थित है, ऐसे बहुत सारे राजनीति से लेकर जीवन के कितने सारे ऐसे क्षेत्र है कि जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तृत्व, अपने सद्गुण और एक भविष्य के बारे में जो एक उनके मन में आशा और आकांक्षा है उसको लेकर कुछ दम के साथ आगे बढ़ने का जो संकल्प है उसका एक बहुत व्यापक परिचय समाज के सामने आ रहा है। उसके कारण स्वाभाविक रूप से ही ऐसे कार्यकर्ता कहां बनते हैं, उनके ये स्वभाव कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो फैक्ट्री कौन सी है और कहां है, किसने शुरू की, कैसे शुरू हुई, कैसे चलती है, इसके बारे में भी बहुत सारी उत्सुकता समाज में केवल विचारशील लोगों के बीच में नहीं सामान्य लोगों के बीच में भी है और इसका बार बार अनुभव भी आ रहा है और इसलिए ये बात बिल्कुल उससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूं कि संक्षिप्त में नहीं ये बात बहुत विस्तार से समाज के सामने आना आवश्यक है। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित किया तो उन्होंने एक बात उसी दिन से बहुत स्पष्ट रखी कि ये समाज में संगठन हमें नहीं करना है, बनाना नहीं है एक संगठन, तो पूरे समाज को ही संगठित करना है और इसलिए हमारा कोई ये ट्रेडमार्क नहीं है, कोई हमारा ट्रेड सीक्रेट नहीं है जिसको हमें अपने पास रखना है। इसको बहुत ही सुलभ शब्दों में समाज के हर वर्ग तक, समाज के हर घटक, हर स्तर तक हमें पहुंचाना है और बहुत जरूरी है। और अभी जैसे उल्लेख हो रहा था तो कुछ दिन से मैं एक विषय के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहा था कि भाई पिछले दिनों राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर अयोध्या में हो इसके लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा अभियान था हम जानते हैं। मेरे मन में उसी दिन से चल रहा था कि ये तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए क्योंकि ये आजकल की भाषा में बहुत बड़ा ऑफलाइन फिजिकल ग्राउंड लेवल पर किया गया क्राउड फंडिंग है। आजकल कुछ लोग बड़े हैं क्राउड फंडिंग हर चीज में बोलते रहते हैं। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बहुत ही कम समय में बहुत साइलेंटली किया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग है, सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग है। और मैंने कुछ IIM डायरेक्टर से बात की क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ते रहता हूं और मैंने एक बार स्टैटिस्टिक भी देखा कि हमारी जो देश में मैनेजमेंट स्कूल्स है IIM से लेकर सारे मैनेजमेंट स्कूल्स वो अपनी केस स्टडीज के लिए हार्वर्ड और केनेडी जो लॉ मतलब मैनेजमेंट स्कूल्स है उनसे कुछ करोड़ रुपयों का बजट है जो भारत से केवल इसी केस स्टडी के लिए खर्च होता है।
करोड़ नहीं करोड़ों रुपयों का बजट है केवल इसी के लिए जाता है। और मैंने कहानियां पढ़ी, केस स्टडी क्या होता है, ये कहानियां तो हम रोज हमारे संगठन जीवन में घटित होती है। तो मैंने उनसे कहा कि जरा इसके बारे में डिटेल्स लो, अभी तो बहुत सारे डिटेल्स उसके बनाए हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से क्या है, ये बैंकिंग की दृष्टि से इसका क्या फंडा है। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, आज के समय में ये बात पर विचार करना और ये बात समाज के सब लोगों तक पहुंचना कि क्योंकि पूरा समाज ही संगठित होना है, सारा समाज संगठित होना है, हर एक को हर गली मोहल्ले में हर छोटे छोटे संगठन समूह जितने भी समाज की सारी व्यवस्था है उसको एक व्यवस्थित रूप से चलना है, स्वयं के बल पर चलना है, अपने आप चलना है और लंबे समय तक चलना है, किसी के खिलाफ नहीं चलना है, स्वयं को अच्छा करने के लिए चलना है, पॉजिटिव तरीके से चलना है। और इसलिए ये जो सूत्र जो हमको मिला तो ये भाग्य देश के सब लोगों को मिलना चाहिए, जो एक सुंदर सा हम जैसे कह रहे थे कि मतलब हम तो बहुत सामान्य लोग, लेकिन हम लोगों को भी अगर ऐसा सानिध्य मिलता है और ऐसा कुछ करने का अवसर मिलता है तो हम में भी इतना परिवर्तन आ सकता है। और इसलिए हमारे संगठन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य लोगों के असामान्य तौर पर हमारा बहुत ही पूरा का पूरा विश्वास है, हमारे ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। मैं कुछ दिनों पूर्व एक अध्ययन कर रहा था तो गांधी जी और डॉक्टर हेडगेवार जी का संवाद है, जब वो संघ के शिविर में आए थे और उसके बाद उनका संवाद हुआ। वो संवाद में उन्होंने पूछा कि आप इतना अच्छा संगठन कर रहे हो और ऐसा आप संगठन कर रहे हो तो आपने ये संगठन कांग्रेस में क्यों नहीं शुरू किया, आपने ये काम कांग्रेस में क्यों नहीं शुरू किया, गांधी जी ने उनको प्रश्न पूछा है। तो डॉक्टर जी ने कहा कि किसी भी कार्य का, कोई भी कार्य अगर उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक हो तो इससे देश नहीं बन सकता। और दूसरी बात उन्होंने कही उनको कि उस समय जो पद्धति चल रही थी कि नेता अलग थे और कार्यकर्ता अलग थे, कार्यकर्ताओं का या वॉलेंटियर्स जिसको उन दिनों कहते थे, उनका काम केवल उनके आगे पीछे घूमना था, उनका इससे देश नहीं बनेगा, मैं उन सब सामान्य लोगों के अंदर जो शक्ति है उसको जोड़ना चाहता हूं और ये अंतर को समाप्त करना चाहता हूं। और इसलिए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और इसलिए ये कार्य, इसका अर्थ यही था कि सामान्य लोगों में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है जो शायद दिखने में बोलने में बहुत सामान्य होते हैं। आजकल की भाषा में जो जिनको गांव के लोग, अनपढ़ लोग, गंवार लोग कहते हैं, ऐसे ही भाषा शब्द हमारी भाषाओं में चलते हैं, ये शब्द विद्यार्थी परिषद की डिक्शनरी में नहीं है। हम लोग भी इस विश्वास से ही और समाज में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस विश्वास के साथ ही पूरा समाज पूरी ऊर्जा के साथ इकट्ठा आ सकता है, सामने जा सकता है। जहां कई लोगों के पास ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहां संगठन में शक्ति बढ़ जाती है, बड़े संगठन हो जाते हैं, हम देखते हैं छोटे मोटे संगठन भी हो जाते तो वो अपने कार्यकलाप अपनी शक्ति का प्रयोग दिखाना शुरू करते हैं और विपरीत प्रयोग भी करते रहते हैं अपनी शक्तियों का, दुनिया में भी दिखता है हम लोगों को। और इसलिए समाज को संगठित भी होना है और संगठन से जो शक्ति बनेगी उसका सदुपयोग भी करना है। और इसलिए संगठन तो है ना, हमारे अभी अफगानिस्तान में भी बड़ा एक संगठन बना तालिबान, उसने उसके पास भी पावर आई तो अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो पावर तो दिखाने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग
और इसलिए विद्यार्थी परिषद में, संघ में जो संस्कार भी मिलता है, एक दूसरे को अपनी शक्ति का उपयोग सदुपयोग करना है, मतलब जो शक्ति बनेगी उसकी दिशा किस दिशा में कैसी होगी, कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ लेकर जाएंगे, तो इसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण आग्रह यशवंतराव जी या विद्यार्थी परिषद के सब लोगों ने लगातार हर पीढ़ी के सामने ये रखा, क्योंकि जब 17-18 साल में 20 साल में कोई भी नौजवान युवक युवती आते हैं तो उनके अंदर एक भरपूर ऊर्जा होती है, और सबसे पहले हम ये बात सीखते हैं कि भाई ये जहां कई लोग मानते हैं कि ये सारे लोग अगर इकट्ठा आएंगे तो बड़ा निशंस करेंगे, सबसे पहला विश्वास ही महत्वपूर्ण है कि ये न्यूसेंस नहीं करेंगे, अगर इनको सही बात संभाल ली जाए, सही दिशा दे दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने इस किताब में भी लिखा, हमारे कॉलेज में एक एयर चीफ मार्शल होते थे, उन दिनों रिटायर्ड हुए थे, ओपी मेहरा, वो आए थे, मैंने इस किताब में भी लिखा उसको, वो हमारे कॉलेज में आए थे, हम लोग बस मुझे लगता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे होंगे डिग्री में, तो एयर चीफ मार्शल से रिटायर्ड होके आए थे। उन्होंने बात बताई कि देखिए ऐसा होता है कि जो एरोगेंस होता है, मतलब जिसको हिंदी में अकड़ बोल सकते हैं या बिल्कुल मैं तो अपने तरीके से करूंगा, ये जो एरोगेंस होता है तो वो एरोगेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा इसको डोंट टेक इट नेगेटिवली, इसको नकारात्मक रूप से मत लीजिए, अगर किसी में एरोगेंस है तो टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि वो दम आप कहीं से ला नहीं सकते, वो ओरिजिनल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उसको आप, उन्होंने कहा कि जिसके पास ये एरोगेंस होता है तभी मेरे जो जवान होते हैं वो विमान लेके जाते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि जाओ उधर जाके अपना विमान लेके जाओ और बम डाल के आओ, तो उसी एरोगेंस में वो लेके जाते हैं, उस हिम्मत से और डक करके आते काम, तो कोई अच्छा काम करने के लिए भी आप एरोगेंस का उपयोग कर सकते हैं, बट एरोगेंस जरूरी है, अगर आप उसने सही दिशा दे दी तो वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो फिर नकारात्मक होगा, विध्वंसक बनेगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट अगर कोई चाहिए, इस एनर्जी का जो मैनेजमेंट है वो ही इंपॉर्टेंट है, अगर उस एनर्जी मैनेजमेंट हमारा ठीक हो गया, होता है ना, हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं ना, एटॉमिक एनर्जी का न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी बन सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, सेम इक्वली, तो संगठन में हमारा जो ये हम लोगों ने समाज के सामने रखा है, बहुत सारे अभिभावक, समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं, तंत्र इसी चिंता में रहते हैं कि क्या करें इसका। मुझे लगता है कि आज इसकी समाज को बहुत ज्यादा आवश्यक है, आवश्यकता है कि हम अपनी अगली जो नौजवान पीढ़ी है उसको कैसे संभाले, उसकी ओर कैसा देखे, उसको कैसा हैंडल करे, और उनकी एरोगेंस, उनकी जो एनर्जी है उसका राष्ट्र में बहुत सारी चीजें करने में कैसा लगा है। यही सरकारों के सामने भी प्रश्न है, यही बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न है। मुझे लगता है कि हमारा संघ, विद्यार्थी परिषद, ये हम लोगों ने जो एक यशस्वी रूप से प्रयोग किया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत कर्तृत्व कर रहे हैं परिषद से निकलकर भी, वो अपने उस जमाने में बहुत एरोगेंट थे, उनके उस एरोगेंस को ही बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया और उसको सही दिशा मिल गई, और इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से आज काम कर सकते हैं सार्वजनिक जीवन में। तो ये इसको कैसे किया जाए, ये प्रश्न केवल हमारे संगठन का नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हम संभाल ले, ये प्रश्न हर घर का है, समाज में हर व्यक्ति के सामने ये प्रश्न आ रहा है, और इसलिए हमारा जो ये, मैं तंत्र नहीं बोलूंगा, ये भाव जो हमारा है, जिस भाव से हम करते हैं, तंत्र तो बनाया जा सकता है लेकिन तंत्र चलाया नहीं जा सकता, तंत्र तो बनते रहते हैं, शासकीय तंत्र भी बनता है लेकिन तंत्र चलाया नहीं जा सकता, तंत्र चलाने के लिए भाव चाहिए, जिसके बारे में नितिन जी भी उल्लेख कर रहे थे कि मशीनरी तो सरकारी भी होती है लेकिन अगर भाव जुड़ जाए उसमें सही तरीके का तो उससे भी काम अच्छा किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई तंत्र खराब है। तो ये जो कई धारणाएं समाज में है कि ये तंत्र अच्छा है, ये खराब है, वो ठीक है, वो खराब है, नहीं,
उसको सही भाव से हैंडल नहीं किया जा रहा है, उसके कारण समस्या आ रही है। संगठन में भी है, समाज में बहुत सारे संगठन बनते, राजनीतिक दल बनते, बहुत सारी चीजें होती है, उसका भी अगर अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है जहां केवल तंत्र से अपने आदेश से दुनिया चलाई जाती है वहां समस्याएं आती है और आनी ही है समस्या। जहां इस भाव से सारी व्यवस्था को हैंडल किया जाता है और उसमें निश्चित रूप से प्रमुखों की भूमिका ज्यादा अच्छी महत्वपूर्ण होती है, तो वहां ये समस्याओं के समाधान होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कार्य संपन्न होता रहता है। यशवंतराव केलकर जी बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि उनको पता था, शायद डॉक्टर जी को भी पता था कि उनके समय में ये काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ठंडे दिमाग से करने का काम है, एक पीढ़ी का भी नहीं है, कई पीढ़ियों का काम है, और ये केवल एक किसी व्यक्ति से नहीं होने वाला है, तो ये एक प्रक्रिया बननी पड़ेगी, समाज में एक प्रोसेस बननी पड़ेगी, एक टीमवर्क बनना पड़ेगा, और वो जो बनेगा वो मॉडल समाज को समर्पित करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं जब देखता हूं तो आज विद्यार्थी परिषद ने इस पीढ़ी, इस युवावस्था के लोगों को कैसे संभाला जाता है और कैसे उससे ऐसे नौजवान लोगों को बनाया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा टेस्टेड मॉडल जिसको बोलते हैं, मतलब जिसकी बहुत बड़ा परीक्षण हो चुका है। आजकल कोरोना चल रहा है, क्लिनिकल टेस्ट वगैरह करते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, तो ये बहुत ही टेस्टेड है, मतलब बहुत सारी टेस्ट हो चुकी है इसकी, तो ये ऐसा मॉडल है। और मुझे लगता है कि आज अगले कुछ वर्ष में एक विद्यार्थी परिषद के भी 75 वर्ष होने जा रहे, क्योंकि जब देश को आजादी मिली थी बस उसी समय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ था। और ये बात भी केवल संयोग की नहीं है कि भाई किस वर्ष में कोई संगठन स्थापित हो गया, तो ये एक चुनौती को स्वीकार करने का समय था कि भाई देश आजाद हो गया, अब देश को आगे कैसे ले जाना है, हमारे देश के युवाओं को कैसे जोड़ना है, उनकी ऊर्जा को कैसे सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है, ये चुनौती थी, एक जिम्मेदारी थी। तो इसलिए महत संयोग नहीं था उस समय विद्यार्थी परिषद का बनना, स्वाभाविक रूप से संघ के संसदों ने इस जिम्मेदारी को लिया और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते आज यहां तक इस बात को लेकर आ गए। ये केवल यशवंतराव जी के जीवन काल में संपन्न नहीं हो पाया, पूरा संभव भी नहीं था, लेकिन एक जरूर हो गया कि उसकी एक प्रक्रिया बन गई। और अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं तो आने वाले समय में ये प्रक्रिया और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब संगठन प्रारंभ हुआ तो मुंबई में, दिल्ली में और कुछ जगहों पर अपनी इकाइयां थी, लेकिन समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज हजारों स्थानों पर ये काम चल रहा है। अभी तिरंगा लगाया, 15 अगस्त को स्वाधीनता के 75 वर्ष हो रहे अमृत महोत्सव, तो परिषद ने 1,00,000 स्थानों पर तिरंगा लगाया, तो ये सिंबॉलिक, तो ये इसी धारा को अगर ऐसे ही चलती रही तो निश्चित रूप से देश का कोई युवा नहीं बचेगा, आने वाली कोई पीढ़ी का कोई व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा, हर एक को वही अच्छे संभालने वाले, आगे बढ़ाने वाले, प्रोत्साहन देने वाले। और कैसा काम करना, केवल आप अच्छे हो, बहुत अच्छे रहो, नहीं, तो आप स्वयं आगे जाकर कैसा तंत्र चला सकते हो, कैसा काम कर सकते हो, हर क्षेत्र में जाकर नेतृत्व कैसा दे सकते हो, ये काम आज इस धारा तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि ये आश्वस्त करता है पूरे समाज को, इसको जितना लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आश्वस्त हो रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से अगर हमारे समाज में इस तरीके का कोई बात चल रही है तो निश्चित रूप से भविष्य के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं, चिंता जरूर करनी चाहिए कि इस प्रकार का कार्य हमारे आसपास भी प्रारंभ हो जाए। आज स्वाधीनता के आंदोलन को जब हम लोग देखते हैं तो ये ध्यान में आ रहा है कि ये पूरा कार्य देशव्यापी था,
देश के हर कोने में था, हर जगह था। मतलब मैं दक्षिण में गया तो वहां उन्होंने अपने आंदोलन को नाम दिया, डिक्लेरेशन किया, नाम दिया जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन। तो उनका भाव स्व का था। अभी अभी सूचना मिली कि नागालैंड और मणिपुर के लोग भी अंडमान जेल में अंग्रेजों से लड़ते हुए गए थे, उसकी सूचियां मिली है। तो बहुत सारे जो निरर्थक बातें प्रसारित हो रही थी कि पता नहीं लोगों के अंदर पूरे देश में ये स्व का भाव था कि नहीं, पूरा देश लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था, क्या कुछ ही लोग लड़ रहे थे, नहीं, तो ये बात स्थापित हो रही है। ये बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आजादी का अमृत महोत्सव आ रहा है तो हमें देश के इस भाव का पूरी तरह पता लगाना है, क्योंकि ये भाव का पता लगना इतना आवश्यक है कि इससे जो एक आत्मविश्वास लोगों के अंदर आएगा वो बहुत बड़ा काम करेगा। और इसलिए जब ये भाव लोगों को मिलेगा, हमारे संगठन जैसी व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध होगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जो अपेक्षित परिवर्तन है वो उस दिशा में बहुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। एक बात छोटी सी और ध्यान में आती है कि समाज में बहुत सारे ऐसी ऐसी विकराल समस्याएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे नौजवान बहुत अच्छा काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो ये अभी जो पीढ़ी चल रही है उस पीढ़ी की समझ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि शायद उनको पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिला है, पूरी दुनिया को कंपैरेटिव तरीके से वो देख पा रहे हैं। इसलिए उनको केवल अपने यहां का मालूम नहीं, उनको दुनिया में कहां क्या हो रहा है ये भी पता है। और इसलिए एक फेज में जो बहुत एक ऐसा आकर्षण था, मतलब झूठा आकर्षण था, वो अभी सेटल डाउन हुआ है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग हैं, और इसलिए उस पीढ़ी का आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा है, शक्ति भी अपार है। इसलिए आज मुझे लगता है कि समाज में ऐसे सबसे ज्यादा आज आवश्यक है कि समाज के हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, केवल अपने घर के बच्चों को संभालने की नहीं, हम जहां रहते हैं, जिस परिसर में रहते हैं, जहां भी बैठे हैं, हर एक के पास जिसके पास जितनी भी क्षमता होगी हमारे नौजवान पीढ़ी को अच्छी बात बताना। दो आप अच्छी बात ही बताते तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको दो अच्छी बात करने के लिए मदद करते, सहयोग करते हैं, आप और ज्यादा अच्छी बात कर रहे हैं। आप उनके चार लोगों को मिलाकर कुछ करने के लिए और प्रोत्साहित करते तो और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम कोई केवल किसी को अब ये एक संगठन के तंत्र के भरोसे बैठने से नहीं होगा। अब ये तंत्र का जो मॉडल है वो सबके सामने ओपन है, और इसलिए इसको समझकर अपने अपने स्तर पर हरेक को इसमें अपना नेतृत्व करने की आवश्यकता है, तो हम बहुत ज्यादा गति से बहुत अच्छा काम जल्दी से कर पाएंगे। और इसलिए जैसा ये आज जो विषय हम लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक बात कहना चाहता हूं कि ये केवल हमारी पुरानी स्मृतियों को जागृत करने का लिए ये पुस्तक नहीं है, या केवल उसके लिए कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो उनके आधार पर हम समाज में जाकर समाज में आने वाले समय में इसको और कैसे इस तरीके से हम हर जगह हर कोने पर ऐसे संभालने वाले लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। और फिर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चाहे शासन का तंत्र हो, किसी भी तरीके का हो, उसको भी एक निश्चित रूप से उसके भी एक सकारात्मक उपयोग करते हुए बहुत अच्छी बातें की जा सकती है। तो आज मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि यशवंतराव जी की स्मृतियां और विद्यार्थी परिषद ने जो कार्य किया, उसकी जो कार्य की पद्धति है, कार्य की शैली है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, कार्यकर्ता समाज की पद्धति है, उसको ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रसारित करने की आवश्यकता है। हर तरीके से
उसको हर तरीके से प्रसारित करने की आवश्यकता है। इस काम को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे। वही यशवंतराव जी और ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्ते। भारत माता।